वेलकम बैक फ्रेंड्स, है ना। ये आपका चैनल पॉलिटेक्निक पंडित। फ्रेंड, हमारा जो लास्ट लेक्चर आया था, है ना, उसमें हम लोग पढ़े थे वेव एंड पार्ट्स ऑफ वेव, है ना। तो यहाँ तक हमारी लास्ट लेक्चर खत्म हुई थी, ओके। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ वेव में पढ़े थे क्रेस्ट, है ना, जिसको अप भी बोलते हैं बच्चे, है ना, ट्रॉफ जिसको डाउन बोलते हैं, राइट। दिस इज द हाइट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, राइट। और ये क्या है हमारा, नॉर्मल या सरफेस ऑफ सी लेवल, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना। क्या होता है सुपरपोजिशन, है ना, वेव का सुपरपोजिशन होता क्या है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि वाटर जब ड्रॉपलेट्स, है ना, हम क्या देखते हैं कि वाटर का सरफेस अगर जब नॉर्मल है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, अब हम क्या करते हैं उसमें स्टोन ड्रॉप करते हैं, राइट, तो उसमें वेव फॉर्म होता है, ओके। और नेक्स्ट अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर दूसरी तरफ भी सेम एज वैसा वेव आ रहा हो, तो दोनों वेव क्या होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप करता है, राइट। जब ओवरलैप करता है तो क्या होता है, एक सुपरपोजिशन क्रिएट करता है, ठीक है, जो रिजल्टेंट वेव होता है आपका थर्ड, है ना। तो अगर हम ध्यान दें फ्रेंड्स इस पे, तो जैसे हमारा वेव फर्स्ट है, राइट, ये एक वेव है, प्लस दूसरा ये वेव है, है ना। तो दोनों वेव जब आपस में मिलेंगे, है ना, तो हमारा कैसा वेव फॉर्म होगा। अब ये देखिए, ये भी अप है आपका, राइट, और ये भी क्या है, अप है, ठीक है। तो दोनों अप मिलकर जो बनाएगा, है ना, सुपर पोजिशन फॉर्म, रिजल्टेंट फॉर्म में, वो क्या होगा, हायर अप होगा। दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का मिलकर प्लस हो जाएगा, राइट, दोनों ऐड हो जाएगा, ऐड होकर क्या बन जाएगा, एक हायर एम्पलीट्यूड वेव बन जाएगा, है ना। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, हायर हो जाएगा, राइट। वही अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम अपने ट्रफ की बात करें, ठीक है, तो उसका ट्रफ में भी सेम केस है ना, इसकी भी एम्पलीट्यूड क्या होगी, है ना, बहुत हायर होगी, ओके। ऐसा तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव वेव, क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव, ओके, राइट। इन नेक्स्ट वी वॉच डिस्ट्रक्टिव वेव, जो इसके जस्ट रिवर्स होगी। तो फ्रेंड्स, डिस्ट्रक्टिव वेव कैसी होगी उस पर बात करते हैं, ओके। तो हमारा जो डिस्ट्रक्टिव वेव होगा फ्रेंड्स, ओके, तो जैसे हमारा फर्स्ट वेव है, राइट, जो हमारा ये फर्स्ट वेव है, और दूसरा हमारा जो होगा सेकेंड वेव, ओके, राइट। तो इसका यहाँ पर देखिए, जो अप है, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाउन, डाउन को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो हमारा जो डाउन है और जो अप है ना, दोनों जब सेम प्लेन में, सेम फेस में आए, तो क्या है, जस्ट उसके अपोजिट है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगी, कंसील हो जाएगी। तो इसका जो रिजल्टेंट फॉर्म होगा, ओके, तो वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म होगा, या तो वो बहुत ही, उसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी, बहुत लो होगी, या फिर ये हो सकता है कि वो जो वेव होगा एकदम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, राइट। तो ये इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव वेव, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव, है ना। डियर फ्रेंड्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, है ना, यही कहता है, व्हेन टू और मोर वेव ओवरलैप इन स्पेस, कहां पे ओवरलैप होगा, सेम स्पेस में, सेम जगह पे, राइट, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, या एक क्या हो अप हो, दूसरा क्या हो डाउन हो, है ना, तो द रिजल्टेंट एंड डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक sum of the individual disturbance, है ना। जो resultant wave होगा वो किसके बराबर होगा, individual disturbance के बराबर होगा। The waves alternate in time between constructive interference and destructive interference, giving the resulting wave in the time verifying amplitude, है ना। जो सभी का क्या होगा, verify करेगा amplitude को, जिसका amplitude क्या होगा, एक दूसरे से differ होगा। बिट्स क्या होता है ना, बिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स और स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड आइडेंटिकल एम्पलीट्यूड, है ना। टू वेव है तो सिंपल सी बात है, जरूरी तो नहीं कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो या दोनों की एम्पलीट्यूड क्या हो, सेम हो, है ना। तो जो बिट्स बनता है वो दोनों का क्या होता है, सुपरपोजिशन होता है ना, या बोले दो वेव का जो रिजल्टेंट होगा, राइट, वो कंबाइन होकर डिस्ट्रक्टिव वेव भी बना सकता है या फिर कंस्ट्रक्टिव वेव भी बना सकता है, ओके। जैसे यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास दो स्पीकर का दिखा रहा है, राइट, ओके, तो दोनों वेव्स, है ना, तो कहीं भी ये क्या हो रहा है, हायर इंटेंसिटी का बन रहा है। आप यहाँ पे देखो, रीड करो इसको, है ना, हायर इंटेंसिटी का है, राइट, और
और यहाँ पर क्या है लोअर इंटेंसिटी क्या है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको कंस्ट्रक्टिव वेव है, ये क्या डिस्ट्रक्टिव वेव है, राइट। जैसे अगर हम आप देखते हैं तो कभी भी ऑडिटोरियम में या किसी म्यूजिक शो में जाते हैं तो डिफरेंट जो वहाँ पर अलग अलग जो वाद्य यंत्र होते हैं, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, लाइक है आपका जो ड्रम है ना, यहाँ पे तबला या गिटार या जो भी है, तो इन सभी का जो साउंड हम लोग हमें सुनाई देता है, कभी हायर सुनाई देता है, उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है हाई होती है, कभी पर कहीं पर लो सुनाई देता है ना। तो क्या होता है सभी वेव का जो रिजल्टेंट या कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्टिव फॉर्म जो होता है वो हमें रिजल्टेंट वेव के रूप में प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा जो टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इसके विषय में हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो इट मस्ट कि हम आप कंटिन्यू अपने क्लास को ज्वाइन करें है ना, और इसे देखें। अगर किसी भी तरह की कोई भी अगर आपको डाउट्स या किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा है ना। और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा डाटा के लिए आप पॉलिटेक्निक पेंडर हमारे जो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करें। धन्यवाद।